हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी टाइम विद न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं अलाहाबाद हाई कोर्ट एग्ज़ाम की। तो हाई कोर्ट जो एग्ज़ाम करवाता है वो लगभग चार टाइप के पदों के लिए ही भर्ती निकालता है, आरओ, एआरओ, कंप्यूटर असिस्टेंट, ग्रुप सी व डी। बाकी जो ऊपर दिख रही हैं, सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, ज्वाइंट रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार, ये सभी प्रमोशन के थ्रू फिल की जाती हैं। इनके लिए कोई भी वैकेंसी नहीं निकाली जाती है। तो अभी हाई कोर्ट ने आरओ की वैकेंसी निकाली थी, और जिनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा नहीं गया है, कहीं ना कहीं उनके मन में अफसोस है कि अगर थोड़ा मेहनत और कर ली होती तो हो सकता था कि हमारा भी इसमें सिलेक्शन हो जाता, और अब पता नहीं ऐसा मौका कब मिलेगा दोबारा। तो बता दूँ कि ये उन सब के लिए खुशखबरी है कि जल्द ही एआरओ की वैकेंसी आने वाली है, और शायद आपको कहीं ना कहीं से ये खबर मिल भी गई होगी अन्य माध्यमों से। लेकिन कब आएगी? और ग्रुप सी की भी वैकेंसी आने वाली है, तो क्या एआरओ की उसके बाद आएगी या फिर पहले? क्योंकि बहुत से बच्चे मैसेज एंड कमेंट करके पूछ रहे थे कि पहले कौन सी आएगी और कब आएगी। तो आप इन सब बातों पर ध्यान बिल्कुल ना दें, बस पढ़ाई में अभी से लग जाएं, क्योंकि सिलेबस सेम है, सारी जो रिक्वायरमेंट रहती हैं वो सेम रहती हैं, ट्रिपल सी वगैरह। तो कोई भी पहले आए आपके लिए तो अच्छा मौका ही है ना दोस्तों। लेकिन एआरओ एक सम्मानी पद है, तो आप सब जानते हैं कि उसकी सारी चीज़ों के बारे में, कि कैसी वैकेंसी है, कैसा पद है ना, कितनी सैलरी रहती है, ग्रुप सी से कितना अच्छा है, ये सारी चीज़ें। और हाँ, एआरओ का प्रपोजल वगैरह सारी चीज़ें बन के बिल्कुल तैयार हो गया है, कम्प्लीट है। तो पहले एआरओ ही आएगी, ग्रुप सी का अभी प्रपोजल वगैरह कुछ नहीं बना है, तो अभी वो नहीं आएगी। बहुत से बच्चे पूछ रहे थे, मैसेज किए थे कि एआरओ पहले आएगी या ग्रुप सी पहले आएगी। तो बता दूं आप लोगों को कि ग्रुप सी का अभी प्रपोजल वगैरह कुछ नहीं बना है, एआरओ का बनकर कंप्लीट हो चुका है, तो पहले एआरओ ही आएगी। और बात है समय की कि कब, तो जैसे ही आरओ की जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है वो जैसे ही कंप्लीट हो जाती है, उसके कुछ समय पश्चात ही आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें मंथ की, तो अप्रैल या मई मंथ को मानकर चलिए, अगर सब कुछ सही रहता है। सही रहने का मतलब है कि एआरओ की भर्ती प्रक्रिया में सारी चीज़ें टाइम से होती हैं। आंसर की आई है, अभी रिवाइज्ड आंसर की आना है। जैसे ही रिवाइज्ड आंसर की आ जाएगी, उसके 15 से 20 दिन के पहले ही रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि जो हाई कोर्ट है उसका ये नियम ही बन गया है कि वो बहुत ही जल्दी भर्ती प्रक्रिया करवाता है। तो बट पता नहीं इस बार आंसर की आने में इतना देर क्यों हो गई। बहुत से लोगों ने बहुत से अनुमान लगाए थे, बट जो मेरा अनुमान था वो ये था कि शायद इस बार उन्होंने जो आंसर की थी, आंसर की के साथ बच्चों की जो कॉपी है वो भी अपलोड की है, तो इस वजह से उनको इतनी सारी कॉपियाँ स्कैन करने में टाइम लग गया, और उस वजह से आंसर की थोड़ा देरी से आई। तो आंसर की, रिवाइज आंसर की आ जाने दीजिए, और उसके बाद रिज़ल्ट आएगा, और रिज़ल्ट के 20-25 दिन ही टाइम देते हैं, टाइपिंग करवा लेते हैं, और जैसे ही वो सारी चीज़ें होती हैं तो आपको एआरओ का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और आपको जैसा मैंने पहले ही बताया, अप्रैल और मई, इसके पहले मत सोचिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें होने में अभी काफ़ी टाइम लगता है। थैंक यू गाइस, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अब बात करते हैं गिव अवे की। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको इस क्वेश्चन का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो लाइक करना है। 5 लोग ये लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की बुक प्लस सरप्राइज मनी गिफ्ट गिव अवे में जीत सकते हैं। सो व्हेन 500 लाइक्स विल कंप्लीटेड, आई विल अनाउंस गिव अवे रिजल्ट। सो थैंक यू गाइज़।